बिसम राह रही तो एज वी नो वी आर डिस्कसिंग एफिशेंट मार्केट हाइपोसिस इंपॉर्टेंट एरिया इसमें हमने डिग्रीज ऑफ एफिशिएंसी की बात की थी कि देर थ्री डिग्रीज और उसके हमने कंक्लूजन ये किया था कि इन स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑल प्राइस इंफॉर्मेशन आर रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस कि जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो उसमें रिफ्लेक्ट कर रही है आज हम इन थीरीज को थोड़ा चैलेंज करेंगे और थोड़ा इनको डिबेट करेंगे कि व्हाट आर द अदर व्यूज एंड वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्टर व्हाट डज ईएमएच डज एंड डज नॉट से इन्वेस्टर कैन थ्रो डॉट्स टू सेलेक्ट स्टॉक दिस इज़ ऑलमोस्ट बट नॉट ट्रू अब जब सब प्राइस ठीक हैं तो फिर तो हम कोई भी स्टॉक ले लें लेकिन ऐसा भी नहीं है इन्वेस्टर हैज़ टू डिसाइड कि हाउ मच रिस्क दे आर गोइंग टू टेक वो अपना रिस्क कॉन्टे करके उसके मुताबिक अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ईवन इफ द प्राइस आर फेयरली रिफ्लेक्टेड तो वी हैव टू बी डूज द एनालिस यू हैव टू डू प्री वर्क बिफोर इन्वेस्टिंग प्राइसिज आर रैंडम एंड अनकॉज अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्राइस में जो चेंजेज हैं जो स्टेप्स आएंगे वो भी रैंडम है वी आर नॉट गोइंग टू सी और जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी वो प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी जैसे यू कैन री कॉल मैंने एक दफ़ा एग्जाम्पल दी थी कि हमारे पास ऑयल ऑल है और हमारी वो कंपनी और हमें उसकी डिस्कवरी हुई तो so, अब नेक्स्ट डिस्कवरी कब होगी वी डोंट नो तो अब जब वो न्यूज़ आएगी तब उसकी रिफ्लेक्शन होगी तो नो वन नो द टाइमिंग ऑफ दैट प्राइसिस आर रैंडम एंड अनकॉज तो वो उसके साथ इम्पैक्ट होगा कि जब वो न्यूज़ आएगी और तब उसके मुताबिक देखेंगे तो हम इन्वेस्टर टाइम नहीं कर सकता कि मैं आज लूँगा तो मुझे पंद्रह दिन बाद न्यूज़ आ जाएगी तो उसका मुझे इतना इम्पैक्ट आएगा तो यू कैन जस्ट डू सम बेसिक एनालिसिस लेकिन टाइमिंग जो वो है वो रेंडम है नॉट नोन द रिकॉर्ड ऑन ई एम एस इज एक्सटेंसिव एंड लार्ज मै इट इज़ रीशोरिंग रीशोरिंग एडवोकेट्स ऑफ एफिशेंट मार्केट बेसिकली क्योंकि क्वान्टम बड़ा है लार्ज स्केल की बात हो रही है तो हमें इसका जो इम्प्लीकेशन है वो भी समझना है कि ई एम एच अप्लाई होती भी होगी तो भी क्या होगा तो अब कुछ हम ऐसी बात करेंगे अनोमली वर्ड का मतलब होता है कि जो उसको एक्सेप्शन हो या उसको निगेट कर रही हो तो हम आज थोड़ी उसकी बात भी करेंगे बिहेवियरल चैलेंज हमने एक बात की थी कि हमारे इन्वेस्टर्स रैशनल है कि सबकी एक एक्सपेक्टेशन है सब एक तरह से सोचते हैं ये आपको है आप दो स्टूडेंट इकट्ठे बैठे हों दोनों की सोच फ़र्क होगी तो इसी तरह इन्वेस्टर्स के बिहेवियर भी डिफर करते हैं एंड रैशनैलिटी इज़ नॉट कॉमन तो so, और कई दफ़ा लोग अपने टैक्स रिटर्न की वजह से अदर फैक्टर की वजह से दो इन्वेस्ट एक इन्वेस्टर कोई और डिसीन लेगा दूसरा इन्वेस्टर कुछ और लेगा एक दोनों की प्राइस बढ़ गई है एक इन्वेस्टर कहेगा कि जी विनर्स को सेल कर लें सो वी कैन गेट द गेन आउट ऑफ इट दूसरा कहेगा लेट्स होल्ड इट तो बिहेवियर रिक्वायरमेंट्स चेंजेस बिहेवियर नॉर्म्स चेंज दिस कैन लीड टू बबल्स इन सिक्योरिटीज कि सिक्योरिटी में वेलिएशन आ सकती है अदर सब एक तरह सोचें और एक डिसीजन लें फिर तो बात एफिशेंट मार्केट वाली ट्रू हो जाए लेकिन जब लोगों के बिहेवियर फ़र्क है उनके डिसीजन फ़र्क है तो मार्केट में प्राइसिस में इम्पैक्ट पे डिफर करता है कंजरवेटिज़म हमें एक बड़ी नॉर्मल चीज़ देखी जाती है इन्वेस्टर्स में कि दे आर कंजरवेटिव कि अगर कोई नई इंफॉर्मेशन दी जाए तो उसको एब्जॉर्ब करने में अंडरस्टैंड करने में वी टेक अ लिटिल टाइम जैसे अगर आपको कहा जाए कि जी ये बड़ी अच्छी एक इन्वेस्टमेंट आई है नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है थोड़ा देर देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं तो दैट्स नॉर्म कन्जरवेटिज्म है कि थोड़ा सा पॉज के साथ चलते हैं तो वो सरप्राइजेस पे अर्निंग के जो पॉजिटिव भी आते हैं नेगेटिव भी आते हैं पीपल टेक अ लिटिल टाइम टू रिस्पॉन्ड टू देम सो इट्स नॉट के इमिजिएटली वो ट्रू रिफ्लेक्शन आ जाती है आरबिट राजट योर सुपीरियर रैशनल एनसो दैट ए बी सी प्राइस ओवर स्टॉक स्टॉक इज़ ओवर प्राइज हमने पहले बात की थी अगर किसी शेयर की प्राइस ओवर प्राइस है तो हमें क्या करना चाहिए उसको शॉर्ट सेल कर दें जब वो अपने सही लेवल पे आए तो बाय कर लें और आपको गेन हो जाएगा ये कहने को तो बड़ी अच्छी बात है आरबिट भी इसी को प्रमोट करता है कि हमें उसको शॉर्ट कर देना चाहिए लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिक है एट द सेम टाइम ये अंडर प्राइस में भी ये चीज़ हो सकती है एक स्टॉक अंडर प्राइस है आपने कहा कि वो ले लें जब वो फेयर वैल्यू पे आएगा तो आपको एक गेन हो जाएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है मार्केट्स कैन स्टे इैशनल लॉन्गर देन यू कैन स्टे सॉल्व मतलब कि आपने जो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट सेल की हुई है कि वो अपने लेवल पर आएगी तो आपने सोचा था कि मैं तीन महीने रख लूँगा मैं छः महीने रख लूंगा मैं हो सकता है वो पूरे आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन में नीचे आए ही ना इवन आपकी कंपनी ने बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर लिया और वो अपने लेवल पे ना आई तो हो सकता है कि आपकी कंपनी की जो है वो या आपके इन्वेस्टर की पूरी जो डिफ़ॉल्ट होने की तरफ चले जाएँ आप या बैंक होने की तरफ चले जाएं और वो अपनी करेक्शन ना करे तो ये एक बड़ी डिबेट है कि जो उसने करेक्शन आनी है वो कितनी देर में आए दैट कैन बी एन अलार्मिंग फैक्टर टू लुक एट एम्पेरिकल चैलेंजेस में हमने ये भी देखा है कि अर्निंग सरप्राइजेज़ आ जाते हैं कंपनीज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो सरप्राइज पॉजिटिव आ गया कंपनी ने कुछ बुरा परफॉर्म किया या कोई बैड थिंग हैपन तो नेगेटिव तो उसमें भी हमने देखा है कि कंजर्वेटिज्म का फैक्टर देखा गया है और अनाउंसमेंट के बाद एडजस्टमेंट्स जो है वो इमिजिएट की बजाय स्लोली होती है बेशक अपवर्ड हो या बेशक डाउनवर्ड हो दैट इज़ अ स्लो पेस इसी तरह साइज़ हमने देखा है कि जो स्मॉल कंपनीज के शेयर्स हैं स्मॉल साइज जिनकी यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी या उनके रिटर्न ज़्यादा देखे गए हैं इन कंट्रास्ट टू बिग कंपनीज अब अगर मार्केट्स एफिशिएंट हैं तो फिर तो ये नहीं होना चाहिए बेशक वो कंपनी बड़े मार्केट साइज़ की हो या छोटे की हो उनको तो अपने लेवल पर चलना चाहिए लेकिन हिस्टोरिकली देखा गया है कि जो छोटे स्टॉक हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है उनकी आउट परफॉर्मेंस देखी गई है कुछ लोग कहते हैं कि ये रिस्क की वजह से भी है लेकिन इट्स स्टिल अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ अब ये अगर हम देखें बात करें तो ये हम अपनी बात एफिशिएंसी को निगेट कर रहे हैं अगर एफिशिएंट हो तो छोटे बड़े से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए लेकिन फ़र्क देखा गया है और हिस्टोरिकली विटनेस हुआ है इसी तरह ग्रोथ स्टॉक्स और वैल्यू स्टॉक्स में भी फर्क देखा गया है कि जो वैल्यू स्टॉक्स हैं वो ओवर द लॉन्ग पीरियड में ओ आउट परफॉर्म किया उन्होंने क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स कुछ टाइम में तो वो सेक्शन अच्छा करते हैं लेकिन वैल्यू स्टॉक में स्टेबिलिटी ज़्यादा देखी गई है तो दिस इज़ अगेन डिनाइल ऑफ द एफिशेंट इसी तरह मार्केट में क्रैशेस भी देखे गए हैं अगर एफिशेंट थी तो क्रैश क्यों हुआ तो ये एक पॉइंट ऑफ थाट है जो हमें समझना है तो क्रैश होना इन इट इज इंडिकेशन के इन हैं थैंक यू